वैसे मोजना इमाम को हमें उनको घराम बना को देना करके बोल को ये डिजाइन के जो है 15 कॉलेज आज शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर गुलबर्गा का भी है। अब वकबोर्ड से एक मॉडल टाइप ये खबरस्तान मरारी का हरिया कलर का पेंट मारको एक ही चक मॉडल कांग तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी करको मालूम होना हरिया कलर का पेंट मार रही कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो कर को। जैसे आप भी बोले आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी के अंदर उसके अंदर 10,000 आदमी जो ही बेघर ही उनको रहने का ठिकाना नहीं है, वैसे हमको वकबोर्ड से खराब बना को देने की भी इसकी इंशाल्लाह ले करो मेहरबानी कर को मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश हमें लोग आइए अल्लाह वक्फ की प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी मेहरबानी करको इसके दिन जैसा मुझे मौका मिला पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया हमें पूरे तमाम जो वफ के ऑफिसर थे उनकी मीटिंग बुलाया मीटिंग बुला को मैं क्या बोला धोबी तुम्हें इतने साल से वफ के अंदर काम कर रही है वफ के ऑफिसर को मेरा डायरेक्शन तुमने एक इंस्ट्रक्शन मेरा तुमने लोगों को मालूम ऑफिसर तुम्हें पढ़ चढ़ को बहुत मेहनत से तकलीफ उठा को ये मुकाम में तुम्हें आको है अगर तुम्हें वकबोर्ड में अच्छा रहना तो तुम्हें कंटिन्यू करना को तो अगर वकबोर्ड के अंदर पैसा लेना तो दूर की बात सूचना भी हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती है अगर तुमने पैसा की अगर लालच है तो तुम्हें लोग पट्टी बना को जो तुमने लोगों को काम पोस्टिंग होना वो पोस्टिंग मई करा को दे तू घर को बोलिया अगर तुमने पैसे बनाना है वफ ऑफिसर को वफ ऑफिसर तुमने पैसे बनाना तुम्हें वकबोर्ड में रहने की जरूरत नहीं है तुमने पैसे बनाने का अगर पैसे कमाने की तुमने लालच है तुमने कहा होना बोलो पोस्टिंग मई तुमने करा को दे तू घर को ऑफिसर को बोल को ऑफिसर से काम ले रो वफ की प्रॉपर्टी तो हर एक को लालच रहता हाजी साहब लालच किसे नहीं रहता वफ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात वहां सोचे इसके अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़को मरता उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़को मरती सात पीढ़ी नहीं सुनो जी साहब कीड़े पड़को मरती का तो होगा ना खत्म ना ये टेम्पररी है ये टेम्पररी है ये सब जो है टेम्पररी खाली आते खाली हाथ जाना अल्लाह मियां मंजे मोखा दिया मुतलियां से एक आजीजाना गुजारिश मेहरबानी कर को आज के बाद हमें वफ की प्रॉपर्टी को हमें कितना होता हिफाजत करने की कोशिश करना वफ के अंदर एक पैसा खाना बुरे जानवर का गोश्त कैसर का बुरे जानवर का गोश्त कैसर का एक पैसा इसके पहले कहते हुए गलतियां कर दे तो अल्लाह से माफी मांग को छोड़ दो लो उसके पहले कहते गलतियां कर दे तो अल्लाह से माफी मांग को छोड़ दो लो अगर वफ बोर्ड के अंदर एक पैसा क्या तो भी खैर कर बोलेगा तो हमें वो बुरे जानवर का गोश के सर का मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे साथ के बगैर हाजी साहब छोड़ दो उनको आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ तुम्हारे साथ के बगैर हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते जैसा मियां जैसा अनवर साहब ने बताया हमारी हुकूमत आने के बाद हमें वक्फ बोर्ड के बाद पिछली बार तुम्हें देखे रहेगा पिछली हुकूमत के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले लगा को बहुत से हमारे बैगो बच्चा जो है स्कूल आंकू नहीं जाए जाको ड्रॉप आउट हो गया बहुत से बच्चा ड्रॉप आउट हो गए वो सोचते हुए हमें क्या करे नहीं आगे जाने आगे आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं आगे आने वाले कौन सी हुकूमत आती मालूम नहीं आगे आने वाले दिनांक के अंदर हमने क्या भी तकलीफ नहीं होना करके हमें क्या करे हमारे खासकर भाई को बच्चे बगैर तालीम के हमें क्या भी नहीं कर सकते तालीम जो है बहुत बढ़िया हथियार तो आने वाले दिनांक कैसे आती करके मालूम नहीं सो हमें 40 पर 7 करोड़ रुपए के अंदर अब कल कैबिनेट के अंदर कल गुलबर्गा के अंदर कैबिनेट हुआ कैबिनेट मीटिंग के अंदर 15 PU कॉलेजेस लेडीज कॉलेजेस हमें सैंक्शन करी हिस्ट्री के अंदर पहली बार कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कौन भी वक्फ बोर्ड के अंदर प्राइवेट वक्फ बोर्ड के अंदर लेडी कॉलेजेस आज तक कौन भी नहीं बनाया था हमें 15 कॉलेजेस ये डिजाइन के जो है 15 कॉलेज आज शुरू कर रहे हैं उसके अंदर गुलबर्गा का भी है उसके अंदर गुलबर्गा का भी है और उसके साथ साथ में क्या है बहुत से हमारे जो इंक्रोचमेंट जो है एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी बहुत से एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी अब कौन की एक लगा को मंजा प्रपोजल देता कोसे की यादगिरी का एक खेड़े गौन से ये खबरस्तान बनाना कर को क्या करते थे मिनिस्टर को लगा को प्रपोजल देते थे अब उसका 25 से 30 लाख रुपए उसका एस्टिमेट होता था वो कंपाउंड डालने के वास्ते 2-3 एकड़ को कंपाउंड डालना का तो 25 से 30 लाख रुपए होता था अब मिनिस्टर क्या करता था 5 लाख के 10 लाख रुपए दिलते थे अब 40 लाख के कंपाउंड को 5-10 लाख रुपए दे तो कंपाउंड कहाँ होता कंपाउंड होता
कंपाउंड नहीं होता, वो क्या होता था, 10 लाख भी बेकार होते थे, वो कंपाउंड भी नहीं होता था। उसके वास्ते हमें क्या करें, अब पूरा में सर्वे करा करको, कहां का एंटोनमेंट हो रहा, कहां का जरूरत है, वैसी जगह हमें आइडेंटिफाई करके क्या करें, अब वकबोर्ड से एक मॉडल टाइप एक खबरस्तान मरा रही, कहा हरिया कलर का पेंट मार को एक ही चक मॉडल, कहां गए तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी करको मालूम होना, देखे तो मालूम होना हरे कलर का पेंट मर रही, कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो, वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो करको, हरे कलर का क्या करे, अब कंपाउंड बनाने का उसका तय करको, इंशाल्लाह वो भी शुरू करे, आइडेंटिफाई करको, अब सब जगह हमें एक ही मॉडल, उतनी दूर से खड़े तो भी वो कंपाउंड या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करको मालूम होना करको, कंपाउंड ना बनाने का सिलसिला रखी। और एक पहली बार चेयरमैन साहब भी बोले, पहली बार जो है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या है, हर जगह में एम्बुलेंस ही, चन इधारे वाले एम्बुलेंस रख ले को ही, वो एम्बुलेंस क्या रहती है, इमरजेंसी 100 किलोमीटर, इमरजेंसी 100 किलोमीटर मैं नाम के वास्ते बोल रहा हूँ, 100 किलोमीटर को तो भी इमरजेंसी का तो भी हॉस्पिटल को जाना का, तो वो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता, इंतजाम नहीं रहता था, ये एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस ना भाई, ये मामूली जो तुम्हें इधारे वाले दल की ना वैसे एम्बुलेंस नहीं, ये मिनी आईसीयू रहता उसके अंदर, मिनी वेंटिलेटर रहता था, टोटल उसका कॉस्ट आपको 40 लाख रुपए एम्बुलेंस का कॉस्ट हो, क्या बोलो, बचाने वाला अल्लाह, जद्दोजहद कोशिश करना हमारा काम, बचाने वाला अल्लाह, फिर भी हमें क्या करना, जद्दोजहद कोशिश करना ना, वो एम्बुलेंस ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है, ये एम्बुलेंस के अंदर एक मिनी आईसीयू रहता, वेंटिलेटर रहता, उन्हें एक 400-500 किलोमीटर तक गए तो उन्हें शायद बच सकता करके क्या कर देनी, पहली बार वकबोर्ड से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एक एम्बुलेंस देना करको, ये टाइप के एम्बुलेंस भी देना करको तय करिए, इंशाल्लाह ये 8 दिन के अंदर ये एम्बुलेंस का देने का कार्रवाई करती है हमें। उसके साथ में फ्रीजर, फ्रीजर क्या है, अब कौन की, एक गुलबर्गा का समझो, कौन की, अब उसका बच्चा कहां की, बम्बई में रहता नहीं तो दुबई में रहता, कहां की एक जगह रहता, उन्हें आने क्या होता 24-36-40 घंटे लगता, उन्हें आने के वास्ते 24-40 घंटे होता, वो मौता रखने के वास्ते क्या होता, फ्रीजर हमारे पास नहीं है, वो फ्रीजर ना होने की वजह से जाको भाड़िया में इधर उधर ले लेगा को आदमी तकलीफ उठाते थे। तो ये बार पहली बार हमें क्या करी, वक्फ बोर्ड से क्या करी, 224 तालुका को पहली बार क्या करी, फ्रीजर देना करको बोल को, ये टाइप के फ्रीजर ही, ये मौता को रखने के वास्ते, ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर कर रही, सो ये बोल पहली बार, ये वक्फ बोर्ड के अंदर ये कॉलेज का स्कीम जो है, जो कंपाउंड बनाने का स्कीम जो है, एम्बुलेंस का जो स्कीम है एम्बुलेंस, फ्रीजर देने का फ्रीजर, अल्लाह में अगर मंजे कितने दिन मौका मंजे दिया मालूम नहीं है, मेरी सोच क्या है, अल्लाह में जब मैं बोलिया ना इसके पहले बोलिया मंजे पल भर मंजे भरोसा नहीं है, कि कहते तो आखिरत की कितना में खिदमत करको वफ की आज से बनाता हूँ, वहां में आखिरत की पूंजी, अल्लाह में सब कुछ मंजे दिया, यहां से क्या भी लेको जा सकता नहीं, ये जो भी वक्त में खिदमत करको मिलने लगो जाता हूँ, मुझे आखिरत की पूंजी करको मैं समझ रहा हूँ, अरबों-खरबों रुपए कमा लग गए सरका में, मैं अकेला नहीं हुए, तुमने वो सब तुमने मेरे से दिया था, तुमने लोगों को मौका मिला, मेरे अल्लाह मियाँ मंजे कब तक मौका मंजे, कब तक मेरी इसके अंदर मंजे जिंदगी दिया मंजे मालूम नहीं, अल्लाह मियाँ मंजे जब तक दिया एक एक दिन भी रहें, मैं जद्दोजहद कोशिश करको अल्लाह मियाँ की जो वफ बोर्ड की आस्ती है उसे बचाना, उसे रेवेन्यू जनरेट करने की जद्दोजहद कोशिश करो। जैसा कि अब हमें शुरुआत करिए, अब वफ में क्या है, रेवेन्यू नहीं रहा, इसके पहले बोलिया वफ की इतने प्रॉपर्टियां हैं बराबर से यूटिलाइज करको, हमें भाड़े को दिए तो हमें गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग करे, ये लो गवर्नमेंट से हमारे तरफ से पैसा करको, उतने वफ के प्रॉपर्टी, उसके वास्ते में जद्दोजहद कोशिश करको, ये बार वफ की प्रॉपर्टी के अंदर ज्यादा कर करको पूरा रेवेन्यू आना करको, जद्दोजहद कोशिश कर रही, वो रेवेन्यू आने के बाद ज्यादा हमें क्या कर रही, तालीम के अंदर खर्च करना करको सोच ले, कि बगैर तालीम के क्या भी नहीं कर सकते, तालीम के अंदर खर्च करना करको हमें सोच ले कोई, जैसा हमारी हुकूमत है सिद्धरामैया साहब की, हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने इसके पहले तुम्हें जानते रहेंगा, जब सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 से लेकर 18 तक, जब माइनॉरिटी का जो बजट था 250 करोड़ रुपए बजट था, सो कितना करोड़ बजट था, सो 250 करोड़ था, कौन भी चीफ मिनिस्टर 50-60 साल से जो चीफ मिनिस्टर आते हैं, जैसा बजट आता था 15-20 लाख रुपए बढ़ाकर 250 करोड़ तक ले लगे थे, सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 250 करोड़ का कितना करना, डबल करे तो 500 करोड़ होता, 3 गुना करे तो 750 करोड़, 4 गुना करे तो कितना होता, 1000 करोड़। तो मईका लाल सिद्धरामैया हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए कितना करेगा बोलो, 3200 करोड़ रुपए ग्रांट कराया था, कितना कराया था, 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। उसके बाद क्या होगी, कोलिशन गवर्नमेंट है,
कुमार स्वामी 30% सीट जीतते हुए भी हमें लोग बीजेपी को दूर रखना कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो अल्लाह मियां मंजे भी उसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर बनने का अल्लाह मियां 2018 के अंदर भी मंजे मौका दिया था। जैसा हमने मालूम पड़ा कुमार स्वामी साहब बजट के अंदर पैसे कम कर रहे करके हमने जैसा मालूम पड़ा तो हमें तमाम लीडर मिलको जहाँ नसीर साहब हरीश भाई तनवीर सेठ तमाम पूरे लीडर मिलको कुमार स्वामी साहब के पास गए। साहब हमने बहुत मुश्किल से सिद्धरामैया 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट देखो है हमने मालूम पड़ा कि मैं क्या कि ग्रांट कम कर रही करको मेहरबानी से हमारा ग्रांट तुम्हें कम नहीं करना करको बोल को पूछ ले हमें पूछने सुनो क्या बोले नहीं मैं किसी हालत में ग्रांट नहीं कम करता करको बोल को तसली दिया था हमने। फिर जैसा बजट हुआ हमारा ग्रांट 3,200 करोड़ से कुमार स्वामी 1,250 कम करको 1,800 करोड़ को लखा को ठहरा कर दिया। उसके बाद बीजेपी हुकूमत आई बीजेपी हुकूमत के अंदर येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री था बसवराज बोम्मई 2 साल मुख्यमंत्री था जो हमारी जो ग्रांट था 3,200 करोड़ से कुमार स्वामी 1,800 करोड़ को लेकर खड़ा करते बीजेपी वाले इलाका को 740 करोड़ को ठहरा कर डाले। कितने करोड़ को 700 हमारे जितने भी थे पूरे स्कॉलरशिप कैंसिल कर डाले पूरे स्कॉलरशिप हमारे कैंसिल कर डाले। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद जैसा तो सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने जैसा मैं मिनिस्टर बनने के बाद हमारा सिद्धरामैया साहब जैसा बैठे फैजले बजट के अंदर दोबारा हमने 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट हमने वापस हमारा हक हमने दिए और सिद्धरामैया साहब वापस करें मुसलमाना की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मैं हक देना आने वाले दिनों के अंदर और ग्रांट बढ़ा को दे तू को बोल को इंशाल्लाह आने वाला जो फरवरी के अंदर जो बजट आता उसके अंदर मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ करती घर को मुझे उम्मीद है 5,000 करोड़ करती घर उम्मीद है। जैसा हमने 3,200 करोड़ मिलने के बाद हमें क्या करें ज्यादातर अल्लाह मियां मंजे जब माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया तो मंजे अल्लाह मियां मौका देने के बाद मैं क्या करें ज्यादा क्या करें हमें तालीम के ऊपर बच्चों को तालीम के बगैर क्या भी नहीं कर सकते करको तालीम के ऊपर हमें इंटरेस्ट ज्यादा करको दिखाए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 3,200 करोड़ के अंदर खाली 1,600 करोड़ के अंदर खाली बच्चों को माइनॉरिटी के पढ़ाने के वास्ते तालीम के वास्ते करको हमें सालाना खर्च करें 1,600 करोड़। जैसा कि तुमने मालूम रहेगा 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जब राजू यूनो इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप देने आते थे बच्चों को जो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप करके देने आते थे। वो 2023 के अंदर क्या करे बीजेपी वाले ये ज्यादातर मुसलमानों को इसका फायदा कर रहा करको वो स्कॉलरशिप रद्द कर डाले। आज तक कोसे स्टेट के अंदर भी जारी नहीं हुआ पहली बार हमारी कर्नाटका स्टेट के अंदर जो स्कॉलरशिप बीजेपी वाले रद्द करते हमें लोग जारी करको कम से कम 80 करोड़ रुपए 4.5 लाख बच्चा लोग को स्कॉलरशिप दिया हमें। कितने बच्चों को जो बन कर थे स्कॉलरशिप हमें दिए उसके साथ बहुत से बच्चे क्या होता एमबीबीएस डॉक्टर आज एमबीबीएस डॉक्टर एक बनने के अवस्था तुमने मालूम एक डॉक्टर बनना को तो आज एक जाको मेडिकल की सीट लेना करके बोलेगा तो कम से कम उसका डोनेशन आको 1 करोड़ रुपए डोनेशन रहता। गरीब आदमी कान से जाको 1 करोड़ रुपए डोनेशन ले लगा था उन्हें 1 करोड़ रुपए डोनेशन नहीं लेने की वजह से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे मेरिट को तो गवर्नमेंट में जो है सीटी में पास होको मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे वो मेरिट के अंदर सीटा मिले तो डोनेशन फ्री उसे कोसी भी कॉलेज में जो पूछती वो कॉलेज में उसे मेडिकल डॉक्टर बनने की एक सीट मिलती मगर उसे क्या रहता मिनिमम फीस करके रहता 11.5 लाख रुपए मिनिमम फीस 5 साल की कितनी फीस 55 लाख रुपए होता। एक ऑटो चलाने वाला कूली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कान से देने होता उन्हें 55 लाख ना होने की वजह से क्या करता था उन्हें ड्रॉप आउट होता था। वैसे मेरे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना करको ये बार 23-24 के अंदर 1,300 बच्चों को डॉक्टर बना रही हमें। कितने बच्चों को 1,300 बच्चों को डॉक्टर बना रही है बार उसके साथ में अब्रॉड बाहर बच्चे पढ़ने जाते अब्रॉड बाहर पढ़ने जाना करके बोलेगा तो उनको 20 लाख रुपए महीना का सालाना 10 लाख रुपए फीस 2 साल का कोर्स हो 2 साल का तो 20 लाख रुपए फॉरेन एजुकेशन करती हो बाहर अब्रॉड को जाकर पढ़ती सो वो बच्चे 20 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना करको ये बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वो भी एक स्कॉलरशिप रखो बहुत से बच्चे जाको अब्रॉड भी पढ़ लेगा रही। तुम्हें हजकैम देखे नहीं देखे मालूम नहीं कर्नाटका का बेंगलुरु सिटी का हजकैम देखो ही तुम्हें बेंगलुरु सिटी का हजकैम कहते जने देखो हाथ उठो बेंगलुरु सिटी का कैसा बेहतरीन हजकैम भाई जी वो मेरे ख्याल से कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम भी वैसा हजकैम नहीं है जो कर्नाटका के जैसा हजकैम कर्नाटका के अंदर है। वो क्या करते थे हमें साल में क्या करते 1 महीना हजकैम के वास्ते यूज करते थे 11 महीने बंद रखते थे उसको
11 महीने बंद रखो, फिर हज का सीजन आया तो फिर जारू करना को तो लाखों रुपए उसे खर्च करको उसे रेडी करना था। वो वजह से जगह बेकार नहीं जाना करको बोल को। ये साल में क्या करी हमें आईएएस आईपीएस केएस कोचिंग 400 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही। अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है ये बार कम से कम 400 बच्चों के अंदर आईएएस आईपीएस केएस कम से कम 50 बच्चे इलेक्ट होते करको मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो तालीम के अंदर हमें ध्यान दे रही, जैसा हम ना ये जनरेट कर ले को हमें इसके अंदर पैसे वो बोर्ड के अंदर पैसे है। तो मेरी और एक भी सोच है अब गुलबर्गा के अंदर, मेरे ख्याल से गुलबर्गा की आबादी जो है 1 लाख की 1.5 लाख 1,20,000 की मुसलमान की आबादी है। कहती है आपा हमारी मुसलमान पॉपुलेशन कहती है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं नहीं आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान की आबादी कहती आपा तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान कहते हैं मुसलमान 2 लाख ही जिला नहीं अनवर साहब आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान 1,20,000-30,000 2 लाख ही। अच्छा आपा जैसा बोले अब नॉर्थ तो साउथ कर को आता, आपा साउथ को आती है नॉर्थ को नहीं, आपा जैसे आपा नॉर्थ को आती, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमान की आबादी 2 लाख की है करके आपा बोलती बराबर है। साउथ के अंदर मुसलमान की आबादी 70-80,000 आबादी है, 1 लाख मुसलमान की आबादी है। साउथ नॉर्थ मिले तो 3 लाख की आबादी है। जैसा कि हमारे आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी गति है, 2 लाख के अंदर 2 लाख भी मुसलमान बेघर नहीं। मेरे हिसाब से क्या करें 10,000 आदमी क्या रहती बेघर रहती। वैसा को मैं क्या करूं हर जगह हमारी क्या है वफ की प्रॉपर्टी सब जगह है, काम भी वफ की प्रॉपर्टी नहीं है घर को नहीं है, हर जगह वफ की प्रॉपर्टी है। वैसा अगली साल के अंदर इसमें सिद्धरामैया साहब को बात करको मैं क्या कर रहा हूं तालुकवार, जैसे आप भी बोले आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी के अंदर 2 लाख भी बेघर नहीं, उसके अंदर 10,000 आदमी जो ही बेघर ही उनको रहने का ठिकाना नहीं है, रहने का इंतजाम भी नहीं है। वैसे उनको वर्कबोर्ड से घर बना को देने की भी स्कीम इंशाल्लाह ले लेगा रहा हूं, वर्कबोर्ड से सबको घर बना को जो बेघर है उनको घर बना को देना, उसे क्या होता रेवेन्यू भी जनरेट होता। एक घर बनने के वास्ते 10 लाख रुपए होता, एक 10 लाख का घर उसे बन को दे लेते 500 स्क्वायर फीट का, उन्हें क्या करता एटलीस्ट एक 200-300 रुपए भाड़ा देता, नहीं कहिए 200-300 रुपए भाड़ा देता कि नहीं, वैसा 200-300 रुपए उन्हें भाड़ा दिया तो क्या होता वर्कबोर्ड को रेवेन्यू भी जनरेट होती। वैसा भी प्रोग्राम नेक्स्ट इंशाल्लाह में लाने के चक्कर के हो, और उसके साथ में हमें मौजाना इमामों को धर्मे देले को आले को ही मौजाना इमामों को धर्मे देले का कोई, बहुत से मौजाना इमामों को जरा कन्फ्यूजन है ये साल मैच में ले लगाता था ये साल में ले लगा नगर को था, मौजाना इमामों को जो है उनको जो वर्कबोर्ड से जो हमें धर्मे दे रही वैसे मौजाना इमामों को हमें उनको घर बना को देना कर को बोल को एक डिसाइड करे थे। बाद में बहुत से डिस्कशन होने के बाद अब क्या रहती मौजन परमानेंट रहता, इमाम साहब क्या करती परमानेंट रहते नहीं, आज ये मस्जिद में रहे तो सब दूसरी मस्जिद की जानी, उसके बारे में हमें सोच रही इंशाल्लाह वो आने वाले दिनांक के अंदर मौजन इमामों को जो बेघर ही उनको वर्कबोर्ड से बन को देना करको हमें वो इंशाल्लाह तय करको तय कर रही। तो मेरी ये मेहरबानी करको मेरे से आजीजा मुतवली तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम मुतलियां से मेरी आजीजाना गुजारी मेहरबानी करको अल्लाह के वास्ते इतने दिन पीछे क्या हुआ नको पीछे क्या हुआ नको आज के बाद ये प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी, अगर अल्लाह की प्रॉपर्टी के ऊपर हमें क्या तो भी लेना तो दूर की बात, हमें क्या तो भी लालच कर दले हमारे बच्चे कीड़े पड़को मरती। ये अल्लाह के वास्ते ये आज के बाद छोड़ दल्ला, और तुम उनकी नवे जिम्मेदारी तुम्हारी भी आवाम की भी जिम्मेदारी पड़ती। जिसे मालूम है कि जमीर अहमद एग्जाम्पल जमीर अहमद खान अगर वॉक बोर्ड के आस्ती के अंदर बैठे तो तुम्हें जाको लड़को छुड़ाना उसे तुम्हें जाको लड़को छोड़ा तुम्हें बोलना तुम्हें ए भाई ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं मेरी प्रॉपर्टी नहीं ये अल्लाह की प्रॉपर्टी के अंदर बैठा सो तो तू कर को बोल को लड़को जाको छोड़ाना, जो मालूम हो को है उन्हें अगर चुप बैठ गया तो उन्हें भी सबसे बड़ा गुनहगार होता। तुम्हारे से उम्मीद रखते हुए तमाम से आज के बाद वक्त की अल्लाह की प्रॉपर्टी हमें सब बचाना।